जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ये हमें ज़रूर बताया करिए। आज का टॉपिक उन विशेषकर बच्चियों के लिए है जो अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर बड़ी दुखी रहती हैं। भाई देखिए, प्रेम करना एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम अंदर से खुद बहुत बदल जाते हैं। एक शर्म क्या होती है, मन के अंदर किसी को लेकर घबराहट कैसे होती है, अपने से ज़्यादा किसी और को तवज्जो कैसे दिया जाता है, अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में कैसे सोचा जाता है, अपनी चीज़ों को अपनी खुशियों को त्याग कर किसी और की खुशी के लिए उस जैसा कैसे हो जाया जाता है। हमें नींद आ रही हो लेकिन फिर भी अगर सामने वाला चाहे तो हम अपनी नींद भी उड़ा देते हैं। ना भूख लग पाती है ना प्यास, शायद अपने जैसा अपना कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर रखूँगी, यह एहसास कितने लोगों के साथ है, ये प्रेम में समर्पण कितने लोगों के साथ है। बहुत तो ऐसे भी हैं जो प्रेम को बहुत प्रैक्टिकली रखते हैं। अच्छा, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जब फ्री होती हूँ कॉल करती हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ करते करते भी रुक जाते हैं और कहते हैं पहले तुमसे बात कर लेती हूँ फिर कुछ और करती हूँ। प्रेम कहाँ और कैसे आपके अंदर आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये एहसास कितनों को हो पाता है। जब आप अपने आप में बैठकर मुस्कुराने लगते हैं, जब आपको कोई भी चेहरा बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता, किसी भी चेहरे को देखकर आपको घृणा नहीं होती, जब आपको किसी भी चीज़ से जलन नहीं होती, जब आपको कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं होती, तब शायद आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है। और ये जो मोहब्बत होती है ना साहब, ये बहुत अच्छी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर नज़र उठाकर वो एक बार देख ले मुझे तो मैं खुदा सी हो जाती हूँ, अगर नज़र उठाकर वो एक बार देख ले मुझे तो मैं खुदा सी हो जाती हूँ, और जो वो नज़र हटा ले मुझसे तो मैं खुदा की भी नहीं रह पाती हूँ। सच बात है, आपको कोई इतना ऊंचा बना देता है जब आपको वो ये एहसास करा देता है कि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे समय से बात नहीं करता, आपको तवज्जो नहीं देता, आपके साथ समय स्पेंड नहीं करता, आपकी छोटी छोटी गलतियों को गिनाता है, आपके साथ छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क करता है या लड़ाइयाँ करता है, हर बात में आपको यह एहसास कराया जाता है कि आप उसके लायक नहीं हो या उसके जीवन में उसके जीवन संगनी बनने के आपके गुण कम हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके साथ चल नहीं सकती, आप दोनों के एक दूसरे के साथ बन नहीं सकती, जब ये सारी चीज़ें हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं आने लगती हैं, तो यही मोहब्बत, यही इश्क, यही प्यार जहर बन जाता है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। जो चेहरे से मुस्कान, दिल से करार, हमसे हमें ही जुदा कर जाता है। अंदर कुछ बचता नहीं है, एक जिंदा लाश से बस घूमते रहते हैं। इस दर पर उस दर पर कोई भी कैसी भी उम्मीद मिल जाए ना, बस उससे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वो वापस मिल जाएगा, क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, क्या हमारा प्यार हमारे साथ उस तरह रह पाएगा जैसा हम चाहते हैं। बहुत मुकद्दरों से मिलता है ये प्यार, लेकिन बहुत मुकद्दरों से मिलता है वो जो इस प्यार की कदर करता है। अगर आपके साथ भी दूसरी वाली समस्या है, प्यार मिला है वो नहीं, प्यार को कोई समझ नहीं पा रहा है वो वाली समस्या है, तो आज का एपिसोड आपके लिए मेरी जान, ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। चलिए इस बारे में, इस विषय में उपाय देने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। बात जब आती है प्रेम की, बात जब आती है फीलिंग्स की, बात जब आती है जज्बात की, तो हम देखते हैं आपका पंचम घर। लेकिन
जब बात आती है कि सामने वाला उस फीलिंग्स को, उस चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं, तो बनता है आपका चौथे और पांचवे घर का संबंध। आप किसी से प्यार कर रहे हो, ये आपका पंचम है, लेकिन उस प्यार को समझकर वो जो आपको रिटर्न कर रहा है वो आपका सुख है, और इसीलिए इसका संबंध आपके चौथे घर के साथ बनकर खड़ा हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं दोनों चीज़ों को एक साथ सही करने की, भाई आप भी समझ पाओ, आप भी उतनी धैर्य के साथ, उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ सामने वाले को अपना समर्पण दे पाओ, सामने वाले के साथ चल पाओ, और सामने वाला भी आपकी उन्हीं चीज़ों को बराबर लेवल पे रख कर आपको रिटर्न कर पाए। जब बात हम इस चीज़ की करते हैं तो हम ये तीन चीज़ें करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। सबसे पहली चीज़, एक अपने हाथ में ज़रूर नोट करना मेरी जान, अगर आपके हाथ में कहीं भी बीचम बीच कोई भी क्रॉस का निशान है, और क्रॉस कैसा, मल्टीप्लाई वाला क्रॉस, एकदम बीचम बीच आपके अगर हथेली इतनी लंबी है तो इसे नाप कर स्केल से देख लेना, बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पर अगर क्रॉस का निशान है तो आपको अपनी फीलिंग्स में मात बहुत मिलेगी, आपके जज्बातों को ठेस बहुत पहुँचेगी, कोई आपके दिल को, आपके जज्बातों को आसानी से समझ नहीं पाएगा, ये सारी परेशानियाँ आपको बार बार सहनी पड़ेंगी। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, अगर ड्राइनेस आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, और आपकी फीलिंग्स को किसी को समझाने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। बहुत बुरा होता है साहब जब कोई किसी के सामने रो रो कर ये कहे कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे प्यार को समझो तो सही, मेरे प्यार को जानो तो सही, और सामने वाला एक बहुत गंदे शब्द के साथ ये कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जिंदगी तो है, वापस से किताब चालू करते हैं, वक्त ही तो है, वापस से पलटने की कोशिश तो करते हैं, जज्बात ही तो हैं, इन्हें वापस से एक बार बनाने की, एक दूसरे के लिए खड़ा करने की कोशिश तो करते हैं, ये कोशिश क्यों नहीं की जाती। किसी भी रिश्ते के अंदर ये कोशिश बहुत ज़रूरी होती है। वक्त दीजिए सामने वाले को समझने की, अपने अंदर उतनी सोच रखिए। ग्लास को अगर आप खाली देखना चाहेंगे तो खाली दिखेगा, भरा देखना चाहेंगे तो भरा दिखेगा। अगर आप जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं होना चाहेंगे, फिर चाहे उसके अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी भर दी जाए, आपको वो पॉजिटिव लगेगा ही नहीं। अपनी नज़र को भी थोड़ा सा बदल लीजिए तो आपको प्रेम भी दिखेगा और प्रेम करने वाला भी दिखेगा। चलिए, अगर आपको ऐसी पीड़ाओं का एहसास हो रहा है, आप भी दर्द में हो, रोते हो, रात रात भर जागते हो, कहीं से कुछ ढूंढ रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में बदल के रख दे, तो ये उपाय आज आपके लिए मेरी जान। पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने सीधे पैर के अंगूठे में एक काला धागा बांध लेना है, वो भी तीन गिठान के साथ, मतलब उसमें तीन नॉट ज़रूर आप बांधेंगे। दूसरा काम, शनिवार की रात्रि को आपको तिल्ली के तेल, लेकिन तिल्ली का प्योर तेल होना चाहिए, ये घी नुमा काम करता है, अगर आप तिल्ली का प्योर तेल ले आएंगे तो, तिल्ली के तेल के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र मिला देना है, दो बूंद, चार बूंद, जितना भी आप मिला सकते हैं, और इसे आपको अपने पैर के तलवे में सीध में लगाना है, सीधे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे हम लाइन खींचते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको सात शनिवार ये कार्य करना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको किसी को भी अपने साथ बांधने के लिए ज़रूर करके रखना है, अपने घुटने से जस्ट दो उंगली नीचे एक नीले रंग का कपड़ा बांध लीजिए। ऐसे बांधिएगा कि आपका खून का फ्लो ना रुक जाए, ऐसे बांधिएगा कि वो इतना टाइट ना हो कि आपको कहीं दिक्कत होने लगे, थोड़ा सा ढीला बांधिए लेकिन बांध दीजिए,
और इसे शनिवार के दिन बांध दीजिए और इसी मनोकामना के साथ बांधिए कि वो मेरे प्रेम को समझे, वो मेरे प्रेम का एहसास करें और मेरी ज़िंदगी में वो प्यार वापस से लौट आए जो मैं चाहती हूँ। शनिवार को ये कार्य दिन में, शाम को, सुबह, रात को कभी भी कर लेना और इसे लगातार 31 दिन बंधे रहने देना और 31 दिन बाद इसे उतार कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाना। करके देखिए, पीरियड्स में भी ये काम होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में कोई जन्म लेकर आया है या आपके घर से कोई चला गया है, यानी कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक है, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो इंडिया में बैठे भी और इंडिया के बाहर बैठे लोग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। करेंगे ना? ज़रूर करिएगा और इसका जो भी रिजल्ट आए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका प्रेम आपको वापस मिल जाए तो मेरे राधा गोविंद को धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेम को उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, तो लीजिए उनका नाम, बोलिए राधे कृष्ण की जय और ये कार्य ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी मेरी जान, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।